तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज अपने अनबॉक्सिंग के साथ। तो देख ही सकते हैं आप, जैसे फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ हूँ मैं ये जूता है स्पार्क्स का, जो कि D323 ऐसा ही कुछ आता है, जिसका प्राइस है 580.95 और जो टैक्स है मतलब 5% GST लगाकर सर्वर 610। तो चलिए देखते हैं ये कैसा है, शो करते हैं हम साइड वन। तो मैंने पहले से खोल के रखा था तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बॉक्स की क्वालिटी, गंदे से भी गंदा क्वालिटी है इसका, मतलब क्या बताऊँ, ये यहाँ से फटा हुआ है, ये मतलब घटिया टाइप्स का है। छोड़िए इसको रखते हैं, ये प्रोडक्ट तो नहीं है, रक्षा कुमार जी की ब्रांडिंग है यहाँ पर। पहले तो मुझे लगा था ये जेन्युइन है या फिर भी नहीं। तो ये दोनों चीज़ आपने तो देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो मैं बता दूँ, ये दोनों हैं मतलब ये जो शू है मतलब शू का साइज़ को मतलब मेंटेन रखते हैं, जो ऐसा ही होगा ये ऐसा ही है, मतलब शू का साइज़ मेंटेन रखते हैं। मेरा पड़ता है 7 जैसे, तो इन दोनों को भी साइज में रखे, मैंने पहले से ही खोल के रखा था। तो ये रहा स्पार्क्स का जो मतलब गुडी बैग देता है, इसके भी हालत बहुत खस्ती टाइप है, उतनी भी अच्छी नहीं है दिखाने लायक, तो फ्लिपकार्ट का वो रहा बैग। तो फिर चलिए देखते हैं जूता, तो मैंने जैसे बोला था पहले से ही खोल के रखा हूँ, तो इसको खोलते हैं। तो एक ही जूता आपको दिखाता हूँ मैं, तो इसको पूरा खोल देते हैं। अब आप अंदर से देख सकते हैं इसके सोल का मटेरियल मुझे ठीक ठाक डिसेंट लगा। तो इसका प्राइस रेंज देखते हुए ये जूता बहुत ही मतलब स्टाइलिश दिखता है, सफ़ेद कलर का पर बहुत गंदा होता है। तो बहुत लोग कहेंगे कि ये एडिडास सुपरस्टार से बहुत मिलता है, और ये एडिडास सुपरस्टार का ही मतलब एक इंडियन वर्जन है। तो यहाँ से अगर आप क्वालिटी वाइज देखें तो यहाँ से दो थ्रेड्स निकले हुए हैं, अगर आप देख सकें तो यहाँ पे थोड़ी फिनिशिंग तो ठीक ठाक अच्छी है मुझे लगी जैसे। तो यहाँ पे एडिडास सुपरस्टार में अगर आप देखें, यहाँ पे 3 स्ट्राइप्स हैं, यहाँ पे 4 स्ट्राइप्स है, स्पार्क्स का है ये सफ़ेद वाला। तो फिर देखिए बहुत ही डिसेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको यहाँ पे स्पार्क्स की ब्रांडिंग भी दी हुई है पीछे एकदम पूरे। और सेकंड जूता भी ऐसा ही है, मतलब सेम चीज़ है दोनों। तो इसका मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ, ऐसे देखिए इसका जो मटेरियल है ये मुझे बहुत ही अच्छा ही लगा, पर यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है दोनों जूते, यहाँ पे थोड़ा एक उभार है अगर आप देख सकोगे तो, उभार जो है ये लगता है मुझे इसकी वजह से ही है, जो ये जो नीचे आता है मतलब वो ठीक है। और पहनने में मैं एक बार ही पहना हूँ, पर ये बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है मैं कह सकता हूँ। अगर आपको कहीं पहन के जाना है या फिर कुछ करना है तो बहुत ही कंफर्टेबल है ये जूता, भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर अब एक थ्रेड निकला हुआ है, ये मतलब क्वालिटी वाइज मैं इसको दूंगा 8, क्योंकि क्वालिटी बहुत ही है, पर लुक्स वाइज ये 10/10 है। अगर आपका बजट मेरे जैसा है, गरीबों के सरदार के जैसा, तो आपके लिए यही है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था, तो फिर हैप्पी पूजा टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो यही था जूता आज का, फिर से आपको दिखा देते हैं सफ़ेद में, बहुत गंदा होने वाला है मुझे पता है, फिर भी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रेड बहुत ज़्यादा जगह से निकले हुए हैं, इनको काटना पड़ेगा, ये देखिए ये देखिए। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही।